अस्सलामुअलैकुम जी डियर फ्रेंड्स, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा आपसे बार बार बातें करने का, बार बार बातें करने का। आज मेरा दिल कर रहा सारे मिल के कहीं बैठे हो ना, कितना अच्छा लगे जब इंसान सब के साथ मिल के बातें करे, हंसे, खेले। ज़िंदगी यही है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं ना, कि ये ज़िंदगी है सबसे मुंह बना के लड़ के झगड़ के एक साइड पे होके बैठे रहो। देखें, जलेंगे तो आप अपना आप ही जलाएंगे, कोई नहीं आपके साथ जलने वाला। दुनिया सारी हंसते चेहरों की है, दुनिया सारी हंसते हुए का साथ देती है और रोने वाले का कोई साथ नहीं देता। चलें छोड़ें, सबसे पहले मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को तो ज़रूर दबा दें। और आज की हमारी बातों का उन्वान है, व्हाट इज़ लव, प्यार किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताएं जल्दी जल्दी, सब अपने अपने कमेंट्स में मुझे बताना कि प्यार किसे कहते हैं। मैं आज आपको अपना आइडिया दूंगी प्यार के बारे में, प्यार किसे कहते हैं। मेरी नज़र में प्यार उस चीज़, प्यार मतलब, प्यार में मतलब नहीं होना चाहिए। प्यार में तो बेलौस चाहत, बेलौस चाहत, बेलौस प्यार, इस चीज़ का नाम प्यार है। इस चीज़ का नाम प्यार नहीं है कि आप दो दिन बाद की, तीसरे दिन अगले ने फ़ोन पे कहा फलां जगह पे आ जाओ, उधर मिलते हैं, मेरे से नहीं रहा जा रहा। लड़की भी कह रही है जी मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, मैंने मर जाना है, मैंने लूट जाना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर वालों के ख़िलाफ़ उठ रही हैं, जा रही हैं चोरी, जूस कॉर्नर्स पे जा रही हैं, लवर्स बुला रहे हैं, वो पार्कों में जा रही हैं, जिन भाइयों की इज्जत हैं बहनें उनसे चोरियाँ कमा रही हैं। मेरी नज़र में ये प्यार नहीं है, ये सीधी सीधी जलालत है, सीधी सीधी बगैरती है, ये प्यार नहीं है। प्यार सिर्फ वो हो जो आँखों से देखे और बंदे में हिम्मत ना पड़े उससे बात करने की, ये प्यार है। इतनी बड़ी दलेरियाँ ये प्यार तो नहीं सिखाता, ये प्यार नहीं सिखाता इतनी इतनी ज़्यादा दलेरियाँ। और इंतहार तो वो है जब एक माँ 101 करोड़ दर्दें लेकर अपने बच्चे को पैदा करे और 10-15 मिनट बाद उठ के बैठ के उसे फीड करवाए, अपने साथ लगाए अपने सीने के, इतनी तकलीफ़ होने के बाद, वो प्यार है, उसको कहते हैं प्यार। वो चाहत है, वो चाहत नहीं। जब मैं उस चीज़ को चाहत कहूँगी कि जब एक लड़की अपने घर से निकलने लगे तो उसके दिल में ख्याल आए, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे भाई, मेरी माँ, और वो सोच के अपने घर की चार दीवारी में बैठ जाए, वो है प्यार। ये तो प्यार बिल्कुल भी ना हुआ कि आपका लवर बुला रहा है और आप जा रहे हैं, वहाँ पे गंदगी हो रही है, वहाँ पे हो रही है, ये क्या, ये चाहते हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हम कैसे मुसलमान हैं जिन चीज़ों को प्यार कहते हैं, अपने अपने दीन की तरफ देखे, अपने मज़हब की तरफ देखते हैं। एक दफ़ा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बीमार हो गए, जब उनके आखिरी लम्हात थे तो आपकी आँखों में आंसू आ गए, तो हज़रत आयशा पूछती हैं आप क्यों रोने लग गए, कहते हैं मुझे ये खौफ आ गया कि आयशा मुझे मरने का खौफ नहीं है, मुझे तुमसे जुदा होने का डर है, मुझे ये है कि मैं मर जाऊँगा तो मैं तुमसे जुदा हो जाऊँगा। ये प्यार, इसको प्यार कहते हैं, इसको चाहत कहते हैं, ना कि ये प्यार हो जो बग़ैर निकाह के किए जाएं, वो प्यार नहीं होते, वो जलालतें होती हैं। सो मेरी नज़र में ये प्यार है, मेरी नज़र में ये प्यार है जो कि आधी रात आप सोए हैं तो एकदम उठ के आप कहते हैं तहज्जुद के 2 नफल ही पढ़ लूँ, मेरा अल्लाह जाग रहा है और मैं सो रही, हाय ये प्यार है। हम हर चीज़ अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं, या अल्लाह जन्नत दे दे, या अल्लाह इतने नोट दे दे, या अल्लाह इतने पैसे दे दे, या अल्लाह घर चाहिए, या अल्लाह रिस्क चाहिए, इतना कुछ दे रहा है
तो चाहत एक भी नहीं है, मतलब ही है ना हम लोग, ये मतलब है, ये चाहत नहीं है। चाहत की तरफ आए, जैसे अजान हो बाके फौरन उठें, जल्दी से सारे काम छोड़ दें, काम डिले कर दें, कहीं ठहर के कर लूँगी लेकिन नमाज पहले पढ़ूँगी, मेरा रब मेरे मुझे बुला रहा है, मैंने उसकी तरफ जाना ही जाना। ऐसी चाहतों की तरफ आइए, अपने फैसले अपने बड़ों के हाथ में दें, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिन्होंने दुनिया जहान देखी है, जिन्होंने दुनिया की तकलीफ़ें देखी हैं, आपके लिए इतनी स्ट्रगल की है, इतना बुरे बुरे वक्तों से गुजरे हैं, अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले उनके हाथ में दें, अपने इख्तियार में फैसले मत रखें। ये मेरी उन यंगस्टर के लिए ये बात है, अपने इख्तियार में कोई फैसला ना रखें, फैसले अपने बड़ों पे छोड़ें। बड़े जैसे भी होते हैं ना, बरगद का दरख्त जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए छाँव देता है, दरख्त जितने मर्जी बूढ़े हो जाए ना, उनकी छाँव हमेशा आपको ठंडी लगती है। खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए, हमेशा से प्यार कीजिए ना, मेरे साथ चाहत करें, आपको अच्छा सुनने को मिलेगा, आपको अच्छी बातें मिलेंगी, आपको लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिलेगा। इसको चाहत कहती हैं, जो नज़रों से हो, जिसमें आपकी ज़रूरतें पूरी हों, वो चाहत नहीं है। आप भी मुझे बताइएगा अपने अपने कमेंट करके कि प्यार क्या है। मेरी नज़र में तो वैसे ये प्यार है, सो आप भी मुझे बताना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।